दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से गूगल पे में आपने पहले कभी भी बैंक अकाउंट ऐड किए थे उस बैंक अकाउंट को कैसे एक्टिवेट करना है वो आज की इस वीडियो को देख लीजिएगा और आप लोग सीख लीजिएगा किस तरह से पिछले जो बैंक अकाउंट आपने डाले थे उस बैंक अकाउंट को कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो दोस्तों एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरह से होम पेज देखने को मिल जाएंगे। तो आपको एक्टिवेट करने के लिए आपको होम पेज में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट विथ योर बैंक, यानी कि आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है एक्टिवेट बैंक अकाउंट का। तो सिंपली से आपको एक्टिवेट बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जैसे उस बैंक का नाम जिस बैंक को आप एक्टिवेट करना चाहते हो, एक्टिवेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आपका बैंक अकाउंट का 4 डिजिट का लास्ट का अंक देखने को मिल जाएगा। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर कंटिन्यू का बटन दिख जाएगा, सिंपली से आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको अलाउ कर देना है और अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे ये चूज़ करना है कि आपका इस बैंक अकाउंट में कौन सा सिम लगा है, वो सिम 1 में लगा है या 2 में लगा है। तो आप जिस भी लगा उसको सेलेक्ट कर लेना है और उसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू का बटन दिख जाएगा, सिंपली से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। अलाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको उस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, जिस OTP को आपको यहाँ वेरीफाई करना है और यहाँ पे एक्टिवेट बैंक अकाउंट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते फाइनली दोस्तों मेरा बैंक अकाउंट यानी कि यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। दोस्तों आप लोग भी कुछ इस तरह से अपने गूगल पे में बैंक अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप एक्टिवेट करना सीख लिए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।